नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लाइन गुरु में। दोस्तों इस वक्त वेस्टइंडीज वुमेन्स की टीम श्रीलंका के दौरे पर है, जहां पर 3 मैचों की ODI सीरीज खेली गई और ODI सीरीज पर श्रीलंका की टीम ने कब्जा जमाया है। लेकिन उसके बाद 3 मैचों की T20I सीरीज की भी शुरुआत हो गई है, जिसके 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं और पहले T20I मैच में श्रीलंका की टीम ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी, तो वहीं दूसरा T20I मैच वेस्टइंडीज की टीम ने DLS मेथड के हिसाब से 6 विकेट से अपने नाम कर लिया है। अब दोस्तों इस सीरीज में दोनों ही टीम 1-1 की बराबरी पर है, लेकिन तीसरा T20I मैच जो होगा वहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम है जो कि सीरीज पर कब्जा जमाएगी। वेल, आज के स्टूडियो में हम चर्चा करेंगे श्रीलंका वुमेन्स वर्सेस वेस्टइंडीज वुमेन्स के बीच होने वाले तीसरे T20I मैच की, जो कि महिंद्रा राजपक्षा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा 28 जून को सुबह 10 बजे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर पिच रिपोर्ट के साथ। तो देखिए 2 मैचेस इस पिच पर खेले गए हैं और दोनों ही मुकाबलों में सेकंड बैटिंग करते हुए टीम ने जीत दर्ज की है, यानी कि जो 2 T20I मैचेस अभी खेले गए हैं वो दोनों ही सेकंड बैटिंग करते हुए टीम ने अपने नाम किए हैं। फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर रहा है 134 का, हाईएस्ट स्कोर यहां पर बनाया है श्रीलंका वुमेन्स की टीम ने 137 का, तो वहीं लोएस्ट स्कोर यहां पर वेस्टइंडीज वुमेन्स की टीम ने दर्ज किया है 134 का। हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करें तो देखिए श्रीलंका और वेस्टइंडीज वुमेन्स के बीच में 25 बार T20I में आमना सामना हो चुका है, एक मुकाबले का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। श्रीलंका वुमेन्स की टीम ने 5 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम ने 19 मैचेस अपने खाते में जोड़े हैं। अब देखिए श्रीलंका की टीम ने भले ही पहले T20I मैच में जीत दर्ज हो, ODI सीरीज पर कब्जा किया हो, लेकिन अगर उन्हें T20I सीरीज पर भी कब्जा जमाना है तो उन्हें थर्ड T20I मैच में भी जीत दर्ज करनी होगी। अब ऐसे में किन 11 खिलाड़ियों को यहां पर मौका दिया जाएगा, तो चलिए आपको बताते हैं श्रीलंका वुमेन्स की प्लेइंग 11 के बारे में, जहां पर शामिल रह सकती हैं विश्मी गुणारत्ने, चमारी अथापत्थु, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, इमेशा दुलानी, हसिनी परेरा, कौशनी नुथ्यांगना, सचिनी निसानसाला, एमा कंचना, इनोशी प्रियदर्शनी और काव्या कबिंदी। तो ये 11 खिलाड़ी हमें श्रीलंका की प्लेइंग 11 में नजर आ सकती हैं। बात करें यहाँ पर श्रीलंका वुमेन्स के की प्लेयर्स के बारे में दोस्तों, तो देखिए बल्ली बासु की लिस्ट में यहाँ पर पहला नाम हमने शामिल किया है विश्मी गुणारत्ने का, जिन्होंने 2 मुकाबले खेलते हुए 98.33 के स्ट्राइक रेट से 59 रन स्कोर किए हैं। हर्षिता समरविक्रमा की अगर बात करें तो 2 मैचेस में उन्होंने 49 रन बनाए हैं 98 के स्ट्राइक रेट से। तो ये 2 बल्लेबाज हैं जिनकी कंसिस्टेंसी इस मैच में हमें देखने को मिल सकती है, जो कि अच्छे रन स्कोर कर सकते हैं। गेंदबाजों की बात करें तो चमारी अथापत्थु हैं जिन्होंने 2 मैचेस में 5 विकेट निकाले हैं, इनोशी प्रियदर्शनी ने 2 मैचेस में 3 विकेट लिए हैं, तो वहीं सचिनी निसनसला की अगर बात करें तो सेकंड T20I मैच में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1 विकेट अपने खाते में जोड़ा था 6 के इकोनॉमी रेट से। तो ये बात हो गई श्रीलंका वुमेन्स की प्लेइंग 11 के बारे में। अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज वुमेन्स की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम ने ODI सीरीज तो गवा दी है लेकिन T20I सीरीज को गवाना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे में किन 11 खिलाड़ियों को यहां पर हेली मैथ्यूज देंगी मौका, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए यहां पर स्टेफनी टेलर, हेली मैथ्यूज, शेमेने कैंपबेले, चेडन नेशन, आलिया एलियन, शिनेल हेनरी, एफी फ्लेचर, कियाना जोसेफ, चेरियन फ्रेसर, करिश्मा रामहरे और शमीलिया कोनेल। तो ये 11 खिलाड़ी हमें वेस्ट इंडीज वुमेन्स की प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। अगर वेस्ट इंडीज वुमेन्स की प्लेयर्स की बात करें तो देखिए हेली मैथ्यूज जो की टीम की कप्तान है, उन्होंने 2 मैचेस खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है, बल्लेबाजी करते हुए जहां उन्होंने 59 रन स्कोर किए हैं, तो वहीं गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट भी उन्होंने अपने खाते में जोड़ा है। आलिया की अगर बात करें तो 2 मैचेस में वो 1 विकेट चटका चुकी है, साथ ही बल्लेबाजी करते हुए 41 रन भी वो स्कोर कर चुकी है। इनके अलावा स्टीफन टेलर है जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सेकंड T20I मैच में 28 रन बनाए थे 107.69 के स्ट्राइक रेट से। गेंदबाजों की बात करें तो एफी फ्लेचर हैं जिन्होंने 2 मुकाबलों में 6 विकेट चटकाए हैं, शेमेलिया कोनेल ने 2 मैचेस में 1 विकेट लिया है, तो वहीं करिश्मा राम हैरिक ने भी 2 मैचेस में 1 ही विकेट अपने खाते में जोड़ा है। तो ये हो गए वेस्ट इंडीज की वो खिलाड़ी जो कि इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली देखिए यहाँ पर कंक्लूजन की बात की जाए तो थोड़ी सी हमें यहाँ पर वेस्ट इंडीज वुमेन्स की टीम की गेंदबाजी कमजोर नजर आ रही है। एफी फ्लेचर है मात्र जिन्होंने 2 मैचेस में 6 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की गेंदबाजी भी अच्छी है और बल्लेबाजी भी अच्छी है। तो ऐसे में देखिए ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अब पिच के हिसाब से अगर यहाँ पर बात की जाए तो देखिए सेकंड बैटिंग करने वाली टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज कर इस सीरीज पर कब्जा जमा सकती है। अब आपके हिसाब से कौन सी वो टीम होगी जो कि इस मुकाबले में इस सीरीज पर कब्जा करेगी, क्या वो श्रीलंका की टीम होगी या फिर वेस्ट इंडीज की टीम, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।